को बता दूं एक्चुअल में ये पर प्रोग्राम क्या था। लाइक एंड सब्सक्राइब। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं नीलगंज मार्केट में। बैरकपुर एरिया के काफ़ी मशहूर जगह नीलगंज मार्केट है। नीलगंज मार्केट में जो काम वहाँ पर हो रहा है वो दिखाएंगे। साथ यहाँ पर भैया है, भैया थोड़ा खा रहे थे तो हम लोग यहाँ पर दो फैन लेने के लिए आए थे। तो मैंने बोला कि खाना वाना छोड़ दो, खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले हमको फ़ैन दे दो, हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो भैया हर टाइम हमारे लिए तो है ही। और कोई भी स्टेबिलाइज़र बनाना है तो भैया से कांटेक्ट कर सकते हो। भैया अगर आप लोगों को चाहिए तो भैया का नंबर मैं दे दूंगा, नीचे मैं दे दूंगा, कमेंट करना। और चलिए चलते हैं नीलगंज, वहाँ पर जाकर क्या क्या सेटअप में आज लगाने वाले हैं हम लोग, सब कुछ दिखाएंगे। जानने के लिए वीडियो में आगे बने रहिए। यहाँ पर बिश्नो अपार्टमेंट देख सकते हो, और यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पर होगा आज का प्रोग्राम। इन हॉल प्रोग्राम है तो साउंड उतना ज़्यादा नहीं लगेगा, छोटा साउंड है। तो देख ही सकते हो पूरा नीलगंज जो बारासात में जो बाजार एरिया है वहाँ पर। सेटअप सुबह को लगा कर गए थे, मतलब जो बॉक्स है, दूसरा जो फैन है, यहाँ पर तो दो फैन है, बाकी फैन सब ऊपर लग गए हैं हमारे। तो और बाकी जो साउंड बॉक्स वगैरह जो कुछ लगाने हैं बाकी थे सब आज सुबह को हम लोगों ने लगा दिया है। ठीक है, चलिए अभी तो हम लोग अंदर जाएंगे, अंदर जाकर दिखाएंगे क्या क्या लगाए हैं, क्या क्या साउंड सेटअप में है, और नया जो माइक्रोफोन है उसका भी टेस्टिंग दिखाएंगे। इन हॉल प्रोग्राम भी चलेगा, वो भी आप लोगों को लाइव दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। पूरा प्रोग्राम देखिए यहाँ पर होने वाला है, और अभी तो कोई भी नहीं है, अभी स्टार्टिंग नहीं हुआ। चलिए मैं डायरेक्ट साउंड के वहाँ पर चलता हूँ और दिखाता हूँ क्या क्या यहाँ पर सेटअप में लगाया। तो देखिए ये वाला बॉक्स कुछ दिन पहले ही नया Q1 का एशिप लगाया हूँ इसके अंदर। आप लोगों ने अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। इस बॉक्स में और दूसरे साइड जो बॉक्स है, ये दो बॉक्स में नया Q1 का एशिप लगाया हूँ, उसका भी वीडियो मिल जाएगा आपको आई बटन पर। और इसका आज लाइव टेस्टिंग करेंगे तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये रहा 12-15 टॉप है ये, और 12 इंची का स्पीकर 100 वाट का, ऊपर 450 का HF नया डाला हूँ, वो वीडियो आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगा, जाकर देख लेना। Q1 का HF है, ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देखना। 100 वाट का 12 इंची का स्पीकर है, और नीचे वाला स्पीकर 300 वाट का है प्योर ऑडियो का। ठीक है, और ये देखिए एकदम नया स्टूडियो मास्टर का वायरलेस। ठीक है, इसका मॉडल नंबर है XR40HH, डुअल माइक्रोफोन वाला है ये, इसका भी टेस्टिंग दिखाएंगे आज। और मिक्सर यहाँ पर है स्टेंजर का 12E, मतलब स्टेंजर का SM120E, और ये वाला अभी इसमें चोंगा चल रहा है बाहर की तरफ। और ये पूरा हॉल रूम है, देख सकते हो आप लोग, पूरा हॉल रूम है, इसीलिए ये अभी बॉक्स बंद है, बंद करके रखा हूँ, इसलिए 500 का एम्पलीफायर अभी बंद है, इसमें बॉक्स चलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को सारा प्रोग्राम थोड़ा बहुत दिखाने की ट्राई करूँगा। ये पूरा हॉल रूम है, ज़्यादा साउंड नहीं चलेगा यहाँ पर, इन लोगों ने बोल दिया था कि कम साउंड में ही चलाना है हम लोगों को। यहाँ पर जगह देखिए कुछ इस टाइप से है, हॉल रूम है, देख सकते हो आप लोग, आसपास पूरा कांच है ना, इसलिए थोड़ा कम साउंड वाला सेटअप ही चाहिए था, इसलिए तो यही वाला सेटअप दिए है। और गाइस आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो यार, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मैं दिखाता हूँ और क्या क्या सीन यहाँ पर हो रहा है। देखिए ये स्टूडियो मास्टर का नया माइक्रोफोन, इसको भी आज टेस्टिंग करेंगे। और यहाँ पर ये जो एम्पलीफायर है इसमें 4 चोंगा लगाए हैं हम लोग, और चोंगा में ही सिलेक्ट है, देख सकते हो। और नीचे वाला इसमें अभी टॉप चल रहा है जो कि 12-15 का टॉप जो मैंने दिखाया है, वही वाले टॉप अभी चल रहे हैं।
मास्टर का ये जो माइक्रोफोन है इसके प्राइस के बारे में जानना है तो आपको वो वीडियो आई बटन में। একটা চ্যানেল আছে, দিদিকে একটু সাপোর্ট করো যারা বেঙ্গলি ক্রিয়েটর। দিদি বাংলার গল্প ইউটিউবে আপলোড করে, চ্যানেলটার লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। তো দিদিকে একটু সাপোর্ট করো যারা যারা পারবে বাংলা ভাষায়। দিদি গল্প আপলোড করে, খুব সুন্দর সুন্দর গল্প আপলোড করে, আর দিদির গান তো তোমরা শুনলে। আর কি তুমি কিছু বলে দাও, লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব। 1 লাখ করতে হবে সেটা বলে দাও। 1 লাখ 1 লাখ করতেই হবে কিন্তু, হ্যাঁ বন্ধু, ঠিক আছে। আর চলো, আর দিদিকে সাপোর্ট করতে ভুলো না, ঠিক আছে। চলো দিদি, টাটা। बता दूं एक्चुअल में यह पर प्रोग्राम क्या था। तो यह पर प्रोग्राम था 2022 में जो लोग सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में अच्छे मार्क्स लेकर आए उन लोगों को यह पर थोड़ा बहुत प्राइस दे दिया, मतलब क्या बोलूँ कि प्राइस दिया जा रहा था, ठीक है, ताकि वो लोग और भी आगे और भी अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आए, ठीक है। तो यही था आज का प्रोग्राम, और छोटा सा सेटअप था, और एक दो गाना भी हम लोगों ने सुना, ठीक है। और वीडियो आई होगा आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट डे। तो गाइस कल जहाँ पर काम था वहाँ का चाबी है, तो ये मामा कल के साउंड भालो लेके चे। हाँ भालो लेके चे। भालो लेके चे तो साउंड सोती है दी। हाँ ठीक है जे। तो एना देरी कल के काज छिलो আর কিছু অ্যানাউন্সের কাজ ছিল, দেখতেই পেয়েছেন আপনারা, ভিডিওটা আমি দিয়েছিলাম আপনারা দেখে নেবেন। তো চলো টাটা মামা, ওকে বাই বাই। আর আজকে যাব মনসা বাড়িতে, একটা কাজ আছে তো সেখানে যাব, ঠিক আছে। তো চলো সেখানে যাওয়া যাক। আর কি হায়াবুসা রেডি, আমিও রেডি।